बच्चों की बस एक हादसे का शिकार हुई है। बालू से भरे ट्रक से टकराई इस दर्दनाक हादसे में 15 स्कूली बच्चों की जान जा चुकी जबकि 40 बच्चे जख्मी हुए हैं। तो ये भीषण भिड़ंत हुई और कहा जा रहा है कि कोहरे के चलते ये सड़क हादसा हुआ अलीगंज रोड पर, जहां 15 स्कूली बच्चों की जान चली गई। और ये बच्चे JS विद्या निकेतन स्कूल के थे जो अपने स्कूल की बस में सवार होकर जा रहे थे। अभी जिस तरह से घायलों की स्थिति है उसको देखकर आशंका है कि आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं बस की क्या हालत है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो भिड़ंत थी वो कितनी भीषण थी, कितनी भयंकर थी, जिसने स्कूली बच्चों की जान ले ली है। तो बेहद दर्दनाक हादसा जो पेश आया है वो एटा में, जहां एक स्कूल की बस एक बालू से भरे ट्रक से टकरा गई और इस हादसे ने 15 बच्चों की जिंदगी छीन ली है। धनंजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। धनंजय, बहुत बहुत दर्दनाक की खबर है, जरा बताएं कैसे इतनी भीषण दुर्घटना हुई और कितना नुकसान इसमें हुआ है। देखिए, ये JPS पब्लिक स्कूल है, उसकी बस थी और ये बच्चों को लेकर जा रही थी। और देखिए, सबसे बड़ा इसमें दोष ये है कि प्रशासन ने छुट्टी की गई थी, उसके बावजूद भी इन लोगों ने स्कूल की छुट्टी नहीं की और बच्चों को बुलाया। कोहरे में ये बस का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें अभी प्रशासनिक सूत्रों की से खबर ये आ रही है कि अब तक 25 लोगों की कैजुअल्टी इसमें हो गई है और आगे भी इसमें हो सकती है। जी बिल्कुल धनंजय, यानी कि सीधे तौर पर स्कूल जिम्मेदार है क्योंकि मौसम खराब था और इसके चलते ही प्रशासन ने छुट्टी यहां पर कराई थी, लेकिन उसके बावजूद स्कूल ने अपने बच्चों की छुट्टी नहीं की और कोहरे से ये हादसा हुआ है। तो धनंजय, जरा बताएं आगे स्थिति क्या है, किस तरह राहत बचाव का काम चल रहा है, घायलों की स्थिति क्या है, माँ बाप जो है उनकी स्थिति क्या है? देखिए, अभी माँ बाप को मालूम पड़ा है, लोग पहुंच रहे हैं, राहत और बचाव कार्य जारी है। DM और SSP मौके के लिए लगभग वो 10 से 15 मिनट में वहां पहुंच रहे हैं। तो जितने भी आसपास के सर्किल के थाने हैं, फोर्स है, वो लगा दिया गया है राहत और बचाव का। पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके माँ बाप अब मालूम पड़ा है वो लोग पहुंच रहे हैं मौके पर। उसके बाद हादसा बहुत दर्दनाक है, जिसमें अभी तक सरकारी सूत्रों से 25 लोगों की मौत हो चुकी थी। धनंजय, और स्कूल सीधे सीधे जिम्मेदार है, अगर हमें कहें कि आखिर उसने यहाँ पर क्यों प्रशासनिक आदेश की अवहेलना की, तो स्कूल की ओर से कोई बयान आया है या फिर स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई की अभी तक कोई बात हो रही है यहाँ? नहीं, देखिए, इसमें पूरी तरीके से स्कूल ही दोषी है क्योंकि छुट्टी की गई थी स्कूल की और प्रशासन के द्वारा, पर एक देखने को ये मिला है कि अब तक लोग स्कूल की छुट्टी नहीं की गई है और उसी से घटना ये इतनी बड़ी ये घटना हुई है जिसमें 25 बच्चों की अब तक मौत हो गई है। जी तो धनंजय, जो आप आंकड़ा बता रहे हैं 25, ये क्या सरकारी आंकड़ा है? हाँ, ये सरकारी आंकड़ा है जो प्रशासन और पुलिस की तरफ से जो बताया गया है उसमें 25 लोगों की कैजुअल्टी बताई जा रही है। जी तो ये बहुत दर्दनाक हादसा है जिसमें 25 लोगों की मौत हुई है। तो ये बताया धनंजय, जिस ट्रक से टकराया था, क्या उस ट्रक में सवार लोगों को कोई नुकसान हुआ है? जी धनंजय, आवाज मिल रही है? जी, अभी तक ट्रक में कोई बड़ा नुकसान नहीं है, पर जो ये बच्चे हैं, जो स्कूल की बस थी, जितना भी है नुकसान इसी में हुआ है और इसमें बच्चों की डेथ हुई है। जी, और जो ट्रक सवार चालक था या क्लीनर जो भी उसके सहयोगी थे, वो कहाँ है, उनको पकड़ा है क्या? नहीं, अभी तक पुलिस और प्रशासन के पकड़ में वो लोग नहीं आए हैं। पुलिस से मेरी बात हुई थी, उनका कहना यह है कि उनको देखा जा रहा है, वो वहीं कहीं होंगे, उन्हें शायद उनके कहीं चोट हो तो शायद उन्हें कहीं हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया हो, तो उनकी भी जांच की जा रही है। जी, और यहाँ पर अगर देखें, एक तो स्कूल की लापरवाही तो है ही कि उसने, मौसम खराब था, प्रशासन ने आदेश दिए थे, फिर भी स्कूल खोला। इसके अलावा इस हादसे में उस मौके पर किसकी गलती नजर आती धनंजय, कौन रॉन्ग साइड पर था, किसकी वजह से हादसा यहाँ पर हुआ है? देखिए, ये इसमें जो गलती है वो गलती दोनों की है, क्योंकि कोहरा था और कोहरे में ये जा रहे थे तो कोहरे में ये कोई नहीं देख पाया कौन किसकी साइड चला गया, तो ये बीचों बीच सड़क में दोनों का एक्सीडेंट हुआ है। वो अपनी साइड बचा के चल रहा था, ट्रक वाला अपनी साइड बचा के चल रहा था, अचानक कोहरे में दोनों आमने सामने हो गए हैं और तब ये एक्सीडेंट हुआ है जिसमें इतना बड़ा ये हादसा हुआ है। जी, और एक बार फिर से बताएं धनंजय, मौके पर स्थिति क्या है, क्या जो भी लोग हैं सबको वहां से हटाकर अस्पताल पहुंचा दिया गया है या अभी मौका वारदात पर कुछ और लोग हैं, यहाँ राहत का काम चल रहा है?
अभी मौके पर राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। अभी डेथ बॉडियां मौके पर ही है क्योंकि प्रशासन अभी पहुंच रहा है, पूरी तरीके से लोग वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं अभी, और वहां राहत और बचाव का कार्य अभी चल रहा है। डेथ बॉडियां हैं, घायलों को हॉस्पिटल भेजा जा रहा है अलीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। जी धनंजय जी, और परिजनों को जानकारी मिलने लगी है क्या जो ये दर्दनाक हादसा हुआ है? हाँ, परिजनों को जानकारी मिलना शुरू हो गई है, परिजन भी पहुंचने लगे हैं अलीगंज जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे परिजन पहुंच रहे हैं। अब देखा जाए कि वहां पे उन लोगों की स्थिति बहुत दर्दनाक है, लोग देख के विचलित हो रहे हैं। और अभी अब उनके माँ बाप का दर्द तो वही लोग जान सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा हादसा है, जिनके छोटे छोटे बच्चे एक्सपायर हुए हैं उन लोगों पे क्या गुजर रही होगी, ये तो वही लोग हैं, उनके दुख बहुत बड़ा है जिसको हम लोग बयां भी नहीं कर सकते शब्दों से। बिल्कुल धनंजय, बहुत बड़ा दुख है। ये बच्चे थोड़ी देर पहले निकले होंगे घर से स्कूल जाने के लिए, लेकिन ये हादसा इंतजार कर रहा था और 25 बच्चों की जान यहाँ पर इस दर्दनाक हादसे में चली गई। जैसा कि धनंजय बता रहे हैं कि कोहरा था, पहली गलती प्रशासन के आदेश की अनदेखी करने की स्कूल की, क्योंकि यहाँ स्कूल बंद थे, लेकिन उसके बावजूद उसने बच्चों को स्कूल बुलाया और फिर कोहरा था तो ऐसे में दोनों अपनी अपनी साइड बचाकर चल रहे थे। जैसा कि धनंजय बता रहे कि लेन का इसमें आइडिया नहीं रहता है और ऐसे में भिड़ंत हो गई और 25 लोगों की जान इसमें चली गई है। तो रोते बिलखते माँ बाप और सांत्वना देने के लिए कोई शब्द नहीं, क्योंकि उनके बच्चे जो घर से स्कूल जाने के लिए निकले थे लेकिन अपनी जिंदगी गंवा बैठे। तो धनंजय, क्या स्कूल की ओर से कोई टीचर, कोई अधिकारी, कोई भी मैनेजमेंट का यहाँ पर कर्मचारी पहुंचा है इस मौके पर? नहीं नहीं, अभी तक कोई भी मैनेजमेंट का वो लोग स्कूल का कोई नहीं पहुंचा है वहाँ पे, और वो अभी तक वहाँ से स्कूल का जो मैनेजर है उसके उसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि वो अभी कहाँ है और क्या कर रहे हैं। अभी तक वो वहाँ ना हॉस्पिटल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे हैं, ना मौके पे पहुँचे हैं अभी स्कूल का कोई भी टीचर। कुछ लोग जो हैं वो टीचर पहुँचे हैं पर जो मैनेजमेंट है वो अभी तक कहीं नहीं पहुँचा। जी धनंजय, आप बने रहे इसी बीच से बहुत ही दिल दहला देने वाले बहुत ही दर्दनाक हादसे पर। DGP जावेद अहमद का ट्वीट आया है तो उन्होंने दुख जताया है क्योंकि शायद जब तक उनके पास जानकारी थी 15 था ये आंकड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से ये आंकड़ा बढ़ चुका है, 25 ये आंकड़ा हो गया है। तो उस वक्त का ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक हादसे को लेकर बहुत दुखी हूँ, हादसे के दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। तो दोषी यहाँ पर प्रथम दृष्टया स्कूल प्रशासन, जिसने प्रशासन के आदेश की, जो जिला प्रशासन था उसने यहाँ पर मौसम को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया था, लेकिन उसके बावजूद इन नौनिहालों को स्कूल बुलाया गया। और ये अमूमन आपने देखा होगा कि अक्सर हर जगह होता है, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ प्रशासन के आदेशों को अनदेखा करके स्कूल खोले जाते हैं। ऐसे में अगर माता पिता से पूछो तो वो भी मजबूर है कि अगर स्कूल खुले हैं, बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे तो उसकी पढ़ाई का हर्जा होगा, वो स्कूल में पिछड़ जाएगा, क्लास में पिछड़ जाएगा। तो ऐसे में माता पिता भी मजबूर हो जाते हैं कि वो स्कूल के आदेशों को माने। तो पहले तो स्कूलों की मनमानी फीस को लेकर, दूसरी मनमानी नियमों को लेकर, यहाँ पर निजी स्कूलों को देखकर ऐसे लगता है कि मानो खुद ही अपने नियम कानून चला रहे हैं। और यहाँ पर प्रशासन के जब आदेश थे तो सवाल यही है कि आखिर क्यों स्कूल में बच्चों को बुलाया गया, स्कूल क्यों खोला गया। तो धनंजय, हम DGP जावेद अहमद का ट्वीट दिखा रहे थे, थोड़ी देर पहले का शायद है क्योंकि 15 उसमें आंकड़ा उन्होंने लिखा है, लेकिन ये बहुत ही अफसोसजनक तरीके से बढ़ा है ये आंकड़ा। तो ये जानना चाहेंगे यहाँ पर प्रशासन के कौन कौन से अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, तो अभी फिलहाल जो बच्चे घायल हैं उनकी संख्या कितनी है, कौन कौन से अस्पताल में उन्हें ले जाया गया है, वहां भी क्या अस्पतालों में कोई प्रशासनिक अधिकारी है ताकि इलाज बच्चों को जल्द से जल्द मिल सके। देखिए, अभी जो देखा गया है वहाँ DM और SSP मौके पर पहुंच रहे हैं जी। और जो सूत्रों के हवाले से खबर है उसमें 25 बच्चों की कैजुअलिटी बताई जा रही है कि 25 लोगों की, अभी मेरे वहाँ कुछ पुलिस के लोगों से बात हुई थी, उन्होंने बताया सूत्रों से है खबर कि अभी तक 25 लोगों की डेथ हुई है उसमें, और DM SSP मौके पर पहुंच रहे हैं, डेथ बॉडी अभी मौके पर है और घायल बच्चों को अलीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे भेजा गया है, तो वहां पे उनका इलाज कराया जा रहा है, वहां से जिनकी हालत गंभीर होगी उन्हें अलीगढ़ या आगरा के लिए रेफर किया जाएगा। जी जी बिल्कुल, तो ये दर्दनाक हादसा हमारे सहयोगी संवाददाता बता रहे हैं धनंजय, कि फिलहाल अस्पताल में बच्चों को ले जाया जा रहा है, जिनकी स्थिति गंभीर होगी तो स्थिति के अनुसार उन्हें आगरा या दूसरी जगह रेफर किया जाएगा। फिलहाल बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें हैं जो हमें दिखाई पड़ रही, फिर भी मौका है वारदात की। गाड़ी की स्थिति आप देखिए, परिजनों की स्थिति आप देखिए, शायद यकीन भी नहीं कर पा रहे हैं कि अभी से थोड़ी देर पहले जो बच्चे घर से
हंसते खिलखिलाते स्कूल के लिए निकले थे, जिनकी ठंड की फिक्र करते हुए उन्होंने स्कूल भेजा था उन्हें, लेकिन अब वो एक भयंकर हादसे का शिकार हो चुके हैं। अच्छा नहीं, किसमें टक्कर हुई है? एक और बस बताओ ना। तो लोगों की भीड़ जुट रही है, प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे, जेसीबी भी आप देख सकते हैं, उसको भी मौके पर बुलाया गया है। और परिजनों को जैसे जैसे इस दर्दनाक हादसे के बारे में जानकारी मिली है, बेसुध पहुंचे हैं मौका वारदात पर, और हर कोई ही प्रार्थना कर रहा है कि काश उनका बच्चा जख्मी ही हो, जख्मी बच्चे को दुरुस्त कर लेंगे। लेकिन 25 घर के बच्चे यहाँ पर अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं, 25 बच्चों की मौत हो गई है इस दर्दनाक सड़क हादसे में। तो JS विद्या निकेतन की स्कूल बस थी जो एक बालू से भरे ट्रक से टकरा गई और उसके बाद 25 बच्चों की जान चली गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्कूल प्रशासन को लेकर सवाल है कि आखिर जब जिला प्रशासन ने स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए थे तो फिर यहाँ पर उस आदेश की अनदेखी क्यों की गई, और अब यहाँ पर आगे किस तरह से बच्चों को इलाज दिया जाता है वो भी देखना होगा। धनंजय जरा ये बताएं, ये टक्कर इतनी भीषण कैसे हो गई? अगर आमने सामने से आ रहे थे, इतना बड़ा नुकसान हो गया है, तो जानना चाहेंगे हादसा किस तरह का हुआ, आमने सामने की सीधी टक्कर थी या फिर गाड़ी पलटी है, क्या हुआ है यहाँ पर? आमने सामने की टक्कर थी और ट्रक जो था वो बालू से भरा हुआ था, आमने सामने थे दोनों और दोनों कोहरे में और स्पीड दोनों की थी, उसी में ये एक्सीडेंट हुआ है जिसमें ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। दोनों की स्पीड ओवर थी और कोहरे में दोनों थे। जी जी, तो यानी कि पहली तो यहाँ पर गलती स्कूल प्रशासन की, दूसरी गलती कि यहाँ पर स्पीड बहुत ज्यादा थी, कोहरा है तो वैसे बहुत ही कम स्पीड रखनी चाहिए, लेकिन यहाँ स्कूल बसों को भी हमने देखा है कि नियमों का उल्लंघन करते हैं, जबकि एक उनके लिए गति सीमा निर्धारित है तो उस निर्धारित सीमा से ऊपर गाड़ी चला रहे थे और ये हादसा हुआ है। धनंजय, क्योंकि जो तस्वीर हम देख रहे हैं गाड़ी की, वाकई में परखच्चे उड़े हुए हैं, उससे हम अंदाजा लगा रहे हैं कि जो मासूम इस गाड़ी के अंदर बैठे थे उनकी क्या स्थिति रही होगी। तो जरा बताएं, जो ये मासूम है वो किस किस उम्र के बीच के हैं, कौन सी क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चे थे? देखिए, इसमें ये बता पाना तो बहुत मुश्किल है, पर ये है कि ये बच्चे आप समझ लिए एक से लेके और ये 9th तक के बच्चे हैं, इसमें कौन कितने थे ये अभी बता पाना संभव नहीं है। अभी ये मामला जब स्कूल प्रशासन का कोई व्यक्ति, जब स्कूल मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति मिलता है तब ये कंफर्म हो पाएगा कि किस क्लास के थे और कितने थे ये बच्चे। बिल्कुल, ये परिजनों की तस्वीर भी हमारे दर्शक देख सकते हैं, वो परिजन जिन्होंने अपने मासूमों को इस हादसे में खोया है, और जो घायल हैं जिनके बच्चे और वो अपने बच्चों से मिल चुके हैं, तो शायद आज वो घायल बच्चों को देखकर भी भगवान का धन्यवाद दे रहे होंगे कि उनका बच्चा जख्मी है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जिन माता पिता के घर के बच्चे यहाँ पर इस हादसे का शिकार हुए हैं, जिनकी मौत हुई है, उनके लिए ढांढस बंधाने के लिए कोई शब्द किसी के पास इस वक्त नहीं है। तो 25 बच्चों की मौत इस बेहद दर्दनाक हादसे में, जो अलीगंज रोड पर हुआ और कोहरे के चलते ये सड़क हादसा हुआ है, जिसपे DGP जावेद अहमद ने भी ट्वीट किया है, हादसे पर दुख उन्होंने जताया है। तो ये बताएं धनंजय, क्योंकि ये स्कूल बस थी तो इस स्कूल की बसेस और जगह से भी आ रही होंगी, तो उसके बाद स्कूल में क्या स्थिति है वहां पर, अब क्या छुट्टी कर दी गई है, उसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी ये स्कूल की छुट्टी तो हो गई है और जो बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे थे, उनका भी पहुंचना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचना शुरू हो गया है, और जो स्कूल का सारे के जितना भी मैनेजमेंट के लोग हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों का जाना स्कूल के अब वहां शुरू हो गया है हॉस्पिटल, और कुछ बच्चे मौके के लिए भी अपने जो उनके दोस्त हैं जो क्लास में साथ पढ़ते थे उन बच्चों के लिए, वो लोग बच्चे अपने दोस्तों को मिलने के लिए अब वहाँ पहुंच रहे हैं, उनका देख रहे हैं कि हमारा दोस्त ठीक है नहीं है, जो हमारे साथ पढ़ता था वो कैसा है, अब वो बच्चे भी देखने के लिए स्वास्थ्य केंद्र और मौके पर पहुंच रहे हैं। जी
बिल्कुल। तो धनंजय, एक गलती और कितने सारे घरों की खुशियां उजड़ गई आज, कितने सारे छोटे छोटे मासूम बच्चों की जिंदगी चली गई है। तो प्रशासन ने जब यहाँ पर आदेश दिया था तो आखिर स्कूल ने यहाँ पर उस आदेश को क्यों नहीं माना, पहली बात। और दूसरी बात ये कि स्कूल की जो बसेज होती है उनकी यहाँ पर स्पीड एक लिमिट तय होती है, तो उस स्पीड लिमिट में ही गाड़ी क्यों नहीं चल रही थी। कोहरा था, ऐसे भी कोहरे में स्पीड काफी कम रखनी चाहिए, लेकिन धनंजय बता रहे हैं कि चाहे बालू से भरा ट्रक हो या फिर स्कूल की बस हो, दोनों की स्पीड काफी ज्यादा थी, इस वजह से इतना नुकसान हुआ। अगर स्पीड कम होती तो शायद टक्कर के बाद भी यहाँ इतना बड़ा हादसा नहीं होता। तो और अगर हम बालू के जो ट्रक में सवार ड्राइवर क्लीनर थे, धनंजय बता रहे हैं कि उनके बारे में तलाश की जा रही है। तो धनंजय, क्या अंदेशा है, क्या वो इन घायलों में शामिल हो सकते हैं, ट्रक की स्थिति क्या है, या फिर वो ट्रक छोड़कर भाग गए होंगे, कुछ ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, उनकी बताई जा रहा है कि शायद उनके भी चोटें आई हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं एडमिट कराया गया या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल पर कराया गया हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराया गया हो। पर इसमें जो आपने एक वाजिब सवाल किया है कि गलती किसकी है, गलती इसमें कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की भी है। जब डीएम जब छुट्टियां घोषित करते हैं उसके बाद इस चीज को प्रशासन इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराता है कि स्कूलों की छुट्टी की गई है और स्कूल खुल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। छुट्टी करने के बाद वो लोग ये नहीं देखते कि इसका उनके आदेश का इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। इतना कोहरा है और सर्दी है, उसमें बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है। यहाँ कई एक स्कूल है जो छुट्टी होने के बावजूद भी रोज खुल रहे हैं, और जिला प्रशासन ने अब तक एक भी स्कूल पर ये कार्रवाई नहीं की। जी बिल्कुल, जब आदेश था तो आप लोगों ने छुट्टी क्यों नहीं की है? जी बिल्कुल धनंजय, मनमानी तो चलती रहती है। ठीक है, आपने आदेश दिया, लेकिन स्कूल आदेश का पालन अक्सर नहीं करते हैं, और खासतौर पर निजी स्कूल हमने देखे हैं वो नहीं करते आदेश का पालन। तो अब तक क्या प्रशासन बता सकता है कि ऐसे कितने स्कूलों के खिलाफ उसने कार्रवाई की है? और लेकिन कुल मिलाकर यह है कि 25 मासूम जिंदगियों ने इस लापरवाही की कीमत आज चुकाई है। देखिए इसमें अच्छा नहीं, किसमें किसमें टक्कर हुई है? ट्रक और बस बताओ ना। तो ये दर्दनाक हादसा, एक बार फिर से आपको बताएं कि डीजीपी जावेद अहमद ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और लिखा है कि एटा हादसे को लेकर बेहद दुख है। इस हादसे में करीब 15 बच्चों की मौत की आशंका है। हादसे के दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये भी बता दें, ट्वीट थोड़ी देर पहले का है, क्योंकि दर्दनाक तरीके से जो हादसा हुआ था उसमें बच्चों में जो मरे हैं, जिनकी मौत हुई है, उनकी संख्या बढ़ चुकी है और 25 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। तो फिलहाल दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो सवाल अक्सर यही उठता है कि जब कोई घटना होती है तो उसके बाद ही सारे नियम कानून याद क्यों आते हैं, सारे नियम कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन की याद प्रशासन को क्यों आती है। हम ये नहीं कह रहे कि पूरा दोष प्रशासन का है, लेकिन प्रशासन भी अगर किसी स्कूल को देखता है कि वो उसके आदेशों की अवहेलना कर रहा है तो आखिर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ताकि अगली बार से कोई भी स्कूल किसी भी प्रशासन के जो आदेश है उसका उल्लंघन करने से पहले सोचे। क्योंकि अमूमन यही होता है निजी स्कूलों में, उनका अपना अलग कानून चलता है, उनके अपने नियम चलते हैं, चाहे एडमिशन से लेकर, फीस से लेकर, ये तमाम स्कूलों की छुट्टियों से लेकर, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन उनके अपने यहाँ पर एक कह सकते हैं कि कानून होता है जिसके हिसाब से वो चलते हैं। तो धनंजय हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय, मनमानियाँ स्कूल की सामने आती रहती हैं और खासतौर पर निजी स्कूलों पर तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें खुली छूट दे रखी कि आप मनमानी कीजिए अभिभावकों के साथ, बच्चों के साथ, फीस लेते समय और नियमों को ताक पर रखते समय। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर निजी स्कूल इस तरह से क्यों प्रशासन के आदेशों को अनदेखा करते हैं। ठीक है बीके जी, धनंजय जो मौका वारदात पर मौजूद है इस वक्त, तो वहां की जो तस्वीरें हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफ़ी दर्दनाक तस्वीरें हैं। रोते बिलखते परिजन, किसी का पोता गया है, किसी का बेटा गया है, किसी का भाई गया है, और जो जो परिजन इस घटना के बारे में जानकारी हासिल करते रहे हैं वो पहुंचे हैं मौका वारदात पर, और जो बच्चे हैं यहाँ, क्योंकि जो शव हैं उन्हें फिलहाल नहीं हटाया गया है, क्योंकि अभी प्रायोरिटी यही है, अभी प्राथमिकता इसी बात की है कि पहले जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में पहुंचाया जाए, ताकि जिनमें सांस बची है उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। तो ये बहुत ही, आप उस मंज़र का अंदाज़ा लगाइए जो इस वक्त अलीगंज में नज़र आ रहा होगा जहां पर यह हादसा हुआ है।
25 बच्चों की जान जा चुकी है और जो घायल हैं उनमें से भी कईयों की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो 36 बच्चे हैं जो जख्मी हुए हैं, 25 बच्चे हैं जिनकी जान इस हादसे में जा चुकी है। तो फिलहाल उन घायलों को पहले ट्रीटमेंट देने की कोशिश हो रही है ताकि नुकसान कम से कम हो और जो बच्चे जख्मी हैं उनको सही इलाज सही वक्त पर मिले ताकि उनकी जिंदगी को बचाया जा सके। तो लापरवाही हर तरफ से नजर आई, प्रशासन ने आदेश दिया उसके बाद वो अपने में मगन हो गया। स्कूल प्रशासन ने आदेशों का उल्लंघन किया और उसके बाद उसने ये भी नहीं देखा कि कोहरा है, स्कूल की बसेस कैसे आएंगी और स्कूल बस का चालक कि एक समय एक लिमिट तय होती है स्पीड की, लेकिन यहाँ पर गति उसकी बहुत ज़्यादा थी, स्पीड यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से ये टक्कर इतनी ज़बरदस्त हुई, क्योंकि कोहरे में स्पीड अगर कम हो तो नुकसान भी कम होता है, लेकिन यहाँ ना तो ट्रक की स्पीड कम थी ना ही स्कूल बस की। तो यही वजह है कि ये भिड़ंत इतनी ज़ोर से हुई कि इतना बड़ा हादसा हो गया और 25 बच्चों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। एक नंद किशोर प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ मौजूद हैं जो हादसे के स्थान पर मौजूद है। नंद किशोर जी, जरा बताइए यहाँ पर कैसे हादसा हुआ है, क्या तस्वीर इस वक्त यहाँ की, कितना नुकसान हुआ है? देखिए प्रीति, ये सुबह की घटना है, कोहरे में बस जा रही थी और मोहरम से भरा हुआ ट्रक जो है इसको रौंदते हुए निकल गया, जिसमें पूरी स्कूली बस में लगभग 50 से 55 बच्चे भरे हुए थे, सब केजी प्ले से लेकर 8वीं तक के बच्चे थे और इसमें जो है 10 से लेकर 12 बच्चों की तो मौके पर ही मौत हो गई। जैसे तैसे जिला प्रशासन को ये सूचना मिली है तो उसका रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू के तहत बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई बच्चे गंभीर रूप से अभी भी घायल हैं, मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। तो नंद किशोर जी, जरा बताएं यहाँ पर गलती किसकी नजर आती है, जो हादसा ऐसे हुआ है, टक्कर आमने सामने की थी और जो ट्रक के चालक थे उनका भी कोई पता है यहाँ पर? जी, ट्रक चालक की भी मौत हो गई है, हालांकि ट्रक चालक की बॉडी जो है ट्रक के अंदर ही मिली है और उसकी भी मौके पर मौत हो चुकी है जी। और ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त परिजन पहुंच रहे हैं यहाँ और जो घायल बच्चे हैं सबको यहाँ से अस्पताल पहुंचा दिया गया है इस वक्त? जी हाँ, सारे बच्चों को जो है अस्पताल पहुंचा दिया गया है, क्योंकि मौके पर जिन बच्चों के बैग पड़े हुए थे, किताबें पड़ी हुई थी, उनके नाम लिखे हुए थे, उनसे पहचान कर करके परिजन पहुंच रहे हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी पहचान नहीं हो सकती है। जी नंद किशोर जी, बड़ा दर्दनाक ये हादसा यहाँ पर है, परिजन भी पहुंचे हैं, तो जो मृतक बच्चे हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया है या फिर अभी जो बॉडीज हैं वहीं पड़ी हैं? जी नंद किशोर जी, हैं आप हमारे साथ? जी 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 नंद किशोर जी, जरा बताएं इस वक्त परिजन पहुंचे हैं वहां पर और जो घायल थे उनको भेजने के बाद जो डेड बॉडीज है उन्हें भी हटा दिया गया है या अभी फिलहाल? देखिए, बच्चों के जो परिजन है उनका तांता अस्पतालों में लगा हुआ है, जितने भी परिजन है अपने अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। कई बच्चों को तो जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, कई को सैफई रेफर कर दिया गया है। जी, और यहाँ पर से यानी कि पूरी तरह से प्रशासनिक टीम पहुंची है और मौके वारदात से सब लोगों को हटा दिया गया है? जी, मौके से जो है सभी लोगों को हटा दिया गया है। फिलहाल प्रशासन की ये मंशा है कि जितने भी घायल बच्चे हैं उनको जल्द से जल्द जो है अच्छा इलाज दिलाकर सही तरीके से जो है जितने लोगों को बचाया जा सकता है उनको बचाने का प्रयास कर रहा है। चलिए धन्यवाद नंद किशोर जी, हमारे दर्शक एक चश्मदीद जो हादसे के वक्त वहां पर मौजूद थे और अभी मौजूद हैं, तो बता रहे हैं कि जो ट्रक चालक है उसकी भी मौत हो चुकी है, उसका जो शव था वो उसी के ट्रक के अंदर मिला है। तो ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी जिसने 25 बच्चों की जान ले ली और साथ में जो ट्रक चालक है वो भी अपनी जिंदगी गंवा बैठा।